दोस्तों आज वीडियो देने में थोड़ी सी लेट हो गई है, तो आज मैं चीला दिखाऊंगी, ड्रमस्टिक की चीला। तो इसके लिए प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च चाहिए और ड्रमस्टिक चाहिए। इसके साथ आटा चाहिए, आप जितना खाते हो उतना आटा लो और बाकी प्याज लहसुन का पेस्ट बनाना चाहिए, ऑप्शनल है। मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, इसमें नमक थोड़ा सा डाला है मैंने। इसमें मैं अभी ड्रम स्टिक छोटे छोटे काट कर मैं डाल दूंगी। ये देखिए मैंने काट कर धुल कर रख दिए हैं, तो ये देखिए अब मैं डाल दूंगी। इसको बॉईल करना है, अच्छी तरह से सीटी लगाकर उसका बॉईल करके इसका रस निकालना है। तो अभी हम बॉईल के लिए बिठाएंगे, तो बॉईल बिठाने के लिए गर्म पानी मैं इस्तेमाल करूंगी ताकि जल्दी हो जाए। तो मैंने गर्म पानी डाल दिए, अब मैं ओवन को ऑन करूंगी, गैस को ऑन करूंगी और मैंने बिठा दिया कुकर। कुकर सिमर में होना चाहिए ताकि हमारा जो ड्रम स्टिक है जल्दी पके नहीं, अंदर अंदर सब पक जाए अच्छी तरह से। पक जाने के बाद हमें सीटी निकाल लेना है। सीटी निकालने के बाद हमें ड्रम स्टिक को एक छलनी में ले लेना है। छलनी पूरा को हम निकालेंगे, छलनी से हम लोग उसका रस निकालेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए छलनी से मैंने रस निकाला है इसका, ये देखिए इस तरह से दबा दबा के निकालना है ताकि उसको पूरा जो प्रोटीन है वो ड्रम स्टिक इटसेल्फ एक प्रोटीन है। तो अब जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो मैं डाल दूंगी इसमें। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना नहीं चाहते हो तो नहीं भी डाल सकते हो, सूखी मसाले भी डाल सकते हो। अब मैं इसमें आटा डालूंगी, आटा मैं ग्लूटेन फ्री डाल रही हूँ, आप लोग अपना नॉर्मल आटा भी डाल सकते हैं। एक आदमी के लिए बन रहा है तो मैंने कम आटा लिया है। इसके बीच मैंने तेल डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा कि कितना कम ज्यादा चाहिए। चीला के लिए थोड़ा पतला होना चाहिए, तो मैं चीला के लिए ही मैं बना रही हूँ। तो इसमें मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिए, फ्राई पैन में तेल डाल दी है। अब मैं इसको स्कूप से डाल दूंगी, स्पून से अच्छी तरह से फैला कर डाल दूंगी। मुझे लगा थोड़ा कम था तेल, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल दिया। अब मैं इसको सब मिक्सचर को डाल दूंगी। ये 15-20 मिनट में हो जाता है, अच्छी तरह से पककर रेडी हो जाता है और ये पौष्टिक भी है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी खाते हैं, तो मैंने सिर्फ इसमें ट्विस्ट दिया है कि प्याज लहसुन का, तो वो नहीं देने से भी होगा, वो ऑप्शनल है। अच्छी तरह से कवर कर आप इसको पकने दीजिएगा और देखिए कितना बढ़िया पक के रेडी हो रहा है। बहुत ही पौष्टिक है, ड्रम स्टिक में प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन ए, विटामिन बी ये सारे होते हैं। ये देखिए इसका रोटी मुझे बनाना नहीं आता, किसी को आता हो तो बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरे चैनल से जरूर।